there should be no re-need because we have scored this many marks because of so much of dedication and hard work. It won't be possible to score good after a gap of 1.5 months if there is a re-need. We want justice. किन बच्चे नीट की मांग कर रहे हैं? जिन लोगों ने या तो एग्जाम ही नहीं दिया या एग्जाम दे के कम मार्क आए हैं। किसी बच्चे को पूछे कि ये 600-700 मार्क लाने के लिए ऑनेस्टी से कितना श्रम मेंटल फिजिकल होता है, दिन रात मेहनत करते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे बच्चे। हमने हमारे सारे सेलिब्रेशन, बर्थडे, सब कुछ हमने दाव पे लगाया था। जो उन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होने चाहिए फिर से। अगर फिर से हुई तो हम इससे भी ज्यादा एग्रेसिवली हम फिर से स्ट्राइक पे जाएंगे। According to my views, there should be no re-need because we have scored this many marks because of so much of dedication and hard work. Only the students who have scored below 600 are wanting for re-need. But what about the students who have scored 600 above? They have scored by doing dedication and so much of hard work. It won't be possible to score good after a gap of 1.5 months if there is a re-need. It's like playing with our futures. So we want justice, there should be no reading. Next day, agami jisse mujhe sarkar hai wo reading nahi lenge to jo yaar sarkar reading nahi lenge to kya karenge। ऑफकोर्स आंदोलन होना ही चाहिए क्योंकि हमारे इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है, हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो रीनीट नहीं होना चाहिए। 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अभी ऐसी धांधली की बात आ रही है कि कोई कोई जगह धांधली हुई है बिहार में, या वहीं अभी जो प्रूव नहीं हुआ है, तो मीडिया में सोशल मीडिया में कुछ चल रहा था कि सभी जगह की नीट लेनी चाहिए, नीट लेनी चाहिए। बच्चों का काफी इंटरव्यू हुआ था कि नीट लेनी चाहिए। लेकिन आप पूछो कि किन बच्चे नीट की मांग कर रहे हैं? जिन लोगों ने या तो एग्जाम ही नहीं दिया या एग्जाम दे के कम मार्क आए हैं, जिन लोगों ने जेन्युइनली एग्जाम दिया है, जिनको 700 मार्क, 650 मार्क। आप किसी बच्चे को पूछे कि ये 600-700 मार्क लाने के लिए ऑनेस्टी से कितना श्रम मेंटल फिजिकल होता है, दिन रात मेहनत करते हैं, और उसको बोला जाए कि दो लोगों ने चोरी की है, अभी भी आप एग्जाम में वापिस एंटर हो, ये कहां का न्याय होगा? हमको सरकार पे, न्याय मंत्रालय पे पूरा भरोसा है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन 80% लोग की आवाज में हमारी 20% की आवाज न दब जाए, क्योंकि आप समझिए कि नीट ऐसी एग्जाम है कि जो जहां से डॉक्टर्स की एंट्री होगी, यानी एमबीबीएस में आपको एडमिशन मिलेगा, 2-3 लाख क्वालिफाइड होते हैं 24 लाख में से, तो मे दी बेस्ट मैन शुड विन। जिन लोगों ने मेहनत किया उनके मार्क आए हैं, अभी वो लोग क्यों वापिस रीनीट दे, उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस क्यों हो? और जिन लोगों का एबिलिटी नहीं था, उनके मार्क नहीं आए, तो वो लोग मांग रहे हैं कि नीट दो, वापिस नीट दो, एक साल में 2 बार चांस, ये कहां का न्याय होगा? और जिन लोगों ने एग्जाम दे के मेहनत करके 700 मार्क लाने के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी होता है, तो उन बच्चों का मानसिक संतुलन भी देखिए, डिप्रेशन में चले जाएंगे बच्चे। और जो लोग मांग रहे हैं, मैं 10 बच्चों को पूछूंगा, जो लोग मांग रहे हैं नीट, आपको मार्क कितने हैं? मैंने कल 2-3 इंटरव्यू भी देखे थे, बोल रहे हैं हम तो अगली साल नीट देने वाले हैं, तो भाई तू क्यों इंटरव्यू दे रहा है जब देना ही नहीं एग्जाम? तो और जो दिया है तो उसको 500-550 मार्क है, वो बोल रहे हैं नीट वापिस लो, क्यों? तूने तो गफला किया नहीं है। जिन लोगों ने ऑनेस्टी से एग्जाम दिया है उनको तो चैन से जीने दो, एक ही डिमांड है, नो नीट। मुझे नीट में 687 आया है 720 में से, बहुत मेहनत से आए हैं और डेडिकेशन से आए हैं,
पूरी दिन रात जग कर हमने ये अचीव किया है, और ये अचीव करने के लिए हमने हमारे सारे सेलिब्रेशन, बर्थडे, सब कुछ हमने दाव पे लगाया था और ये मेहनत करके आया है। तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। आपकी मांग क्या और जो सरकार कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? रीनीट फिर से नहीं होनी चाहिए, अगर फिर से हुई तो हम इससे भी ज्यादा एग्रेसिवली हम फिर से स्ट्राइक पे जाएंगे। हमारी मांग यही है कि रीनीट नहीं होनी चाहिए।